Hello my dear students, welcome to Neat Alchemy channel of An Academy. आज बच्चों concept of the day में अपन एक important structure को discuss करने वाले हैं, that is the structure of diborane. जितना important है उतना easy भी है, very very easy to understand. Yes, तो बात करेंगे किसकी? Diborane के structure की. Structure of diborane. Diborane का formula बच्चों होता है B2H6. बोरॉन का कंपाउंड है, बोरॉन बीइंग अ मेंबर ऑफ ग्रुप 13, फर्स्ट मेंबर ही है इसलिए ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली बोलते हैं. तो बोरॉन ग्रुप 13 को बिलोंग करता है, आउटरमोस्ट शेल में उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस हिसाब से पूरे इसके हाइब्रिडाइजेशन और कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे. कंपाउंड क्या है? B2H6 की बात कर रहे हैं. अब B2H6 में क्या चक्कर ये पड़ा कि जब लोगों ने इसका स्ट्रक्चर एनालाइज करना शुरू किया, फाइंडिंग्स करना शुरू किया, तो सबके कंक्लूजन्स, सबके रिजल्ट, सबका स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा थोड़ा वैरी आ रहा था. कोई भी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा था. फिर इसकी क्या की गई, एक एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया गया. तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक ने, स्टडीज ने ये बताया कि इसमें दो तरीके के हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. सारे जो 6 के 6 हाइड्रोजन है वो बराबर नहीं है, मतलब वो सेम नहीं है. दो टाइप के इसमें क्या चल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम्स चल रहे हैं. तो एक बार जो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज से, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से जो स्ट्रक्चर निकल कर आया है उसको देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है. बच्चों दो तो इसमें क्या आ गए, बोरॉन एटम्स आ गए, ठीक है, और टोटल क्या है, 6 हाइड्रोजन है. तो आउट ऑफ 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस बोरॉन पर लगाने हैं, 2 हाइड्रोजन इस बोरॉन पर लगाने हैं. तो आउट ऑफ 6 4 हाइड्रोजन तो इस तरीके से अटैच्ड है, और जो बचे हुए 2 हाइड्रोजन है वो इस तरीके से दोनों बोरॉन से अट्रैक्टेड हैं, दोनों बोरॉन से क्या है, बॉन्डेड है. तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, डायबोरेन का. अब इसको समझते हैं कि ये कैसे बना, ये वाले हाइड्रोजन कैसे हैं और ये वाले बीच वाले दिख रहा है वो कि हाँ ये वाले दोनों डिफरेंट है और ये चार जो है सेम है, ये इन दोनों से डिफरेंट है. तो इस चीज की अपन बात करने वाले. सपोज मैं इन सबको नंबर कर देती हूँ. लेट्स से मैं इसको बोल देती हूँ दिस इज हाइड्रोजन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6. ये 6 हाइड्रोजन है. तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 4, इन चारों को बोला जाता है टर्मिनल हाइड्रोजन. ये क्या बोले जाते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. दे आर व्हाट, टर्मिनल हाइड्रोजन. ये चारों हाइड्रोजन बोरॉन से अटैच्ड हैं. हाउ, मतलब ये जो बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, जो नॉर्मल अपन पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से जो बनता है वही बॉन्ड है. तो ये जो 4 हाइड्रोजन का बोरॉन से ये बॉन्ड बना हुआ है, ये कैसा है, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है. दिस इज व्हाट, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड. क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए बॉन्ड कैसा है, स्ट्रांग है. क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है इसीलिए ये बॉन्ड कैसा है, देखो समझो, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, जैसे ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक एटम है, दूसरा एटम है, उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड की बात कर रही हूं इसलिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगी. तो एक एटम है, दूसरा एटम है, एक सेंटर है, दूसरा सेंटर है, उनके बीच में क्या शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कैसा है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल सकती हूँ, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जा सकता है, जो नॉर्मल कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है. अभी जो चारों हाइड्रोजन हैं, ये जो चारों हाइड्रोजन हैं और दोनों बोरॉन एटम्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन. चारों हाइड्रोजन और दोनों बोरॉन क्या है, सेम प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है. तो ये जो 4 हाइड्रोजन है ये सेम प्लेन में प्रेजेंट है बोरॉन के जैसे. बोरॉन से उन्होंने क्या कर रखा है, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, दैट इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ये तो हो गई इन 4 की बात. अब ये जो हाइड्रोजन 5 और हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन 5 और हाइड्रोजन 6 को बोला जाता है ब्रिज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन 5 और हाइड्रोजन 6, रीजन बीइंग वेरी ऑब्वियस कि दे आर एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द 2 बोरॉन एटम्स, दैट इज व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड ब्रिज हाइड्रोजन. इन दोनों को क्या बोला जाएगा, ब्रिज हाइड्रोजन. जैसे ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये कैसे है, ब्रिज हाइड्रोजन है. और ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है, ये जो पूरा प्लेन था, ये हाइड्रोजन बोरॉन वाला जो पूरा प्लेन था, इस प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, इस प्लेन के एक ऊपर है और एक नीचे है. तो ये सेम प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, एक ब्रिज ऊपर बन रहा है, एक ब्रिज नीचे बन रहा है, आप इस तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हो. तो अबव एंड बिलो द प्लेन होगा ये ब्रिज हाइड्रोजन. अब बात करते हैं अगर इनकी थोड़ा सा और हाइब्रिडाइजेशन को देखते हुए या बॉन्डिंग को देखते हुए, तो बच्चों ध्यान से समझना. देखो बोरॉन का अगर अपन कॉन्फिगरेशन देखें तो बोरॉन इज एटॉमिक नंबर 5,
ग्राउंड स्टेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p1, ये उसका ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर उसको ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो ये हो गया उसका 2s2 और ये हो गया उसका 2p1। ठीक, अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, 1s2 तो एज इट इज रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन 2s1 से कहां एक्साइट हो जाएगा 2p1 में, तो ये हो गया 2s1 और क्या बन गया 2p2। अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो 2s1 ऐसे हो गया और 2p2, अब यहां पर क्या आ गए, दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये क्या बन गई, बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट। अब ये जब बॉन्ड बनाएगा तो इट विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगा, ये एस और तीनों पी, बेशक वो तीसरा पी खाली है बट स्टिल ये क्या करेगा, ये पूरा चारों के चारों ऑर्बिटल्स को क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या चलेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन चलेगा, जब अपन b2h6 की बात करेंगे, डायबोरेन की बात करेंगे। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या चल रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, हर एक बोरॉन ने, मैं पहले वाली अगर आपको स्लाइड दिखाऊं तो हर एक बोरॉन ने दो कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे, जैसे अगर ये बोरॉन ये इस वाले को कंसिडर कर ले तो इसने दो कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे। दो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं चार, इसके पास देयर आर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, उसमें से दो को यूज करेगा, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके। तो ये वाला जो एक है, इसने सपोज हम ऐसे बोल देते हैं कि ये वाली ओवरलैपिंग कर ली एक हाइड्रोजन के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ऐसे शो कर देते, ये वाली ओवरलैपिंग कर ली दूसरे हाइड्रोजन के साथ, क्या कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, कौन सा, वो जो टर्मिनल हाइड्रोजन से थे, जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे वो यहां पर बन गए। अब हर एक बोरॉन के पास क्या रह गया, एक तो हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया, एक एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया, हर एक की कहानी हर एक बोरॉन के साथ चल रही है ना। तो दोनों बोरॉन के पास दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के पास बाद इसके पास क्या बच गया, दो ऑर्बिटल, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए, एक जिसमें क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है और एक खाली है। सिमिलरली इसके पास भी क्या है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच गए, इसके पास भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच गए, एक सिंगली ऑक्यूपाइड है और एक क्या है खाली है, इस तरीके से है। इस हाइड्रोजन के पास अपना एक एस ऑर्बिटल है, इस हाइड्रोजन के पास अपना एक एस ऑर्बिटल है विच इज सिंगली ऑक्यूपाइड। अब देखो क्या होगा, एक बोरॉन का सपोज इसका मान लेते हैं, इसका ये हाफ फिल्ड, इसका हाइब्रिडाइज हाफ फिल्ड, इसका एस ऑर्बिटल और इसका एम्प्टी हाइब्रिडाइज हाफ फिल्ड, एम्प्टी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसका हाफ फिल्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसका एस ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल है और इस वाले बोरॉन का एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर ब्रिज वाला ये जो बॉन्ड है ये बनाने के लिए। तो ये जो ब्रिज वाला बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ये किससे बना हुआ है, दोनों बोरॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों बोरॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं और हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, यानी तीन सेंटर हो गए, कोवेलेंट के लिए दो सेंटर नहीं है, दोनों बोरॉन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहे, तीन सेंटर हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन दो ही लग रहे हैं, एक इसका और एक हाइड्रोजन का, इसका कौन सा ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसका इलेक्ट्रॉन लग रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन लग रहा है, लेकिन इसका क्या लग रहा है, एम्प्टी ऑर्बिटल लग रहा है। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा बॉन्ड बन रहा होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा हो ये वाला। इस वाले की बात करें तो अब उल्टा हो जाएगा, इसका हाफ फिल्ड इसका एम्प्टी और हाइड्रोजन का, इस वाले बोरॉन का हाफ फिल्ड इस वाले बोरॉन का एम्प्टी और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, ये वाला बॉन्ड भी कैसा बन रहा होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और सारी वैलेंसी सैटिस्फाई होकर पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट स्टेबल हो जाएगा और इस तरीके से B2H6 बन जाएगा। जब अपन इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बार बार ऐसे ऐसे हाथ क्यों घुमा रही हूं, इसको बनाकर देख लेते हैं। तो जब अपन इसको बनाएंगे तो ये रहा एक बोरॉन, ये रहा दूसरा बोरॉन, इसका ये कोवेलेंट दो बॉन्ड्स अलग से चल रहे हैं, इसके दो बॉन्ड्स कोवेलेंट अलग से चल रहे हैं, और ये जो ब्रिज बॉन्ड्स हैं ये हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट, ये ऐसे और ये ऐसे ब्रिज बन रहा है। ठीक, अब बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप, क्योंकि ये सब तीनों कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे हाथ घुमा रही थी बार बार, क्योंकि ये तीनों कनेक्ट हो रहे हैं, दिस पर्टिकुलर शेप ये इस तरीके से बन रही है, दैट इज वाई ये जो ब्रिज बॉन्ड्स बन रहे हैं, जिनको मैं ब्रिज बॉन्ड्स बोल रही हूं, इनको एक्चुअली अपन क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड्स, इनको क्या बोला जाता है, बनाना बॉन्ड्स। तो डायबोरिन का स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ साथ क्या बन रहा है, एक बहुत ही अनयूजुअल, एक बहुत ही डिफरेंट काइंड का बॉन्ड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। तो इसमें दो तरीके के बॉन्ड आ गए,
फाइनल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, ये आ गए कोवेलेंट बॉन्ड 1, 2, 3, 4, और ये क्या आ गए बनाना बॉन्ड्स, और यहां पर हम डाइबोरिन का स्ट्रक्चर बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं विद बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इन्वॉल्वड। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, छोटा सा कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। आई कीप ऑन कमिंग विद सच वीडियोस जिसमें मैं छोटे छोटे ऐसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स लेकर आती रहूंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा कंसेप्ट मुझसे पढ़ना है। मैं देख रही थी कोई बैक बॉन्डिंग बोल रहा था, किसी ने ओवरलैपिंग बोला, तो ओवरलैपिंग छोटा कंसेप्ट नहीं है, वो मेरी लाइव क्लास जो चल रही है यूट्यूब पर नीट एल्केमी चैनल, इसी चैनल पर रोज 1 बजे, उसमें मैं बॉन्डिंग पढ़ा रही हूँ, उसी में ओवरलैपिंग एमओटी वो सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आई कीप ऑन कमिंग विद ऑल दी स्मॉल स्मॉल वीडियोस विद द नेम कंसेप्ट ऑफ द डे, हम इसमें मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, इनऑर्गेनिक की तैयारी में आपको कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन जनरल भी कहाँ दिक्कत आ रही है नीट की तैयारी में, ये सब अपना फीडबैक, अपना गुस्सा, अपना प्यार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। टेक केयर, गुड बाय।